हेलो फ्रेंड्स, आई एम अविनाश तिवारी एंड आई एम गोइंग टू शो यू द अनबॉक्सिंग ऑफ वन प्लस नॉर्ड CE3 5G। ये काफ़ी मतलब अच्छा फ़ोन है मीडियम बजट में, तो मैंने ये न्यू फ़ोन लिया है तो मैं सोचा आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखा दूँ, आप लोगों के भी काम आ सकता है ये फ़ोन अगर आप लोग लेना चाहें तो। देखिए अभी न्यू फ़ोन आया है और अभी मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ इसको जो है। ये देखिए अभी बिल्कुल नया आया है, अभी ओपन नहीं हुआ है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ आप लोगों के सामने और जो है इसको दिखाता हूँ मैं अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को जो है। आप लोग देखिए और आप लोगों को सही लगता है तो आप लोग भी लीजिए। देखिए बाकी इसमें कुछ नहीं है, ये बॉक्स है वन प्लस का, इस तरह से बॉक्स होता है, काफ़ी अच्छा इसका पैकिंग रहता है, यहाँ से खुलता है, ये इस तरह से है। ये देखिए सारा डिटेल लिखा हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं, और इस बॉक्स को जो है हम इस तरह से खोल सकते हैं। ये बॉक्स आप खोलेंगे तो ये खाली है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए इस बॉक्स के अंदर क्या है, इसके अंदर सबसे पहले यूज़र, ये है ये बॉक्स, ठीक ओके, इसमें देख लेते हैं क्या है पहले। इसमें अगर मैं खोलूँ आप लोगों के सामने तो देखिए क्या है, इसमें बाकी कुछ नहीं है खाली, ये देखिए इसमें है, ये मोबाइल का कवर है, ये ग्रे कलर का मेरा मोबाइल है, इसका जो है कवर है ये ग्रे कलर का, और ये जो है यूजर मैनुअल्स वगैरह है इसका, ये सब इससे रिलेटेड कार्ड्स वगैरह हैं सब जो है। देखिए ये सब कार्ड्स वगैरह इससे रिलेटेड है, और ये स्क्रीन पर लगाने के लिए, और ये इसका पिन है इसमें दिया हुआ है जिससे सिम वगैरह बदलते हैं, सिम ट्रे जो बोलते हैं उससे रिलेटेड, तो ये सारा हो गया। तो बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता होता है नॉर्मली। अब आते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। इस बॉक्स में अब हम निकालेंगे तो मोबाइल निकलेगा, ये देखिए ये तो खाली पेपर है और ये मोबाइल है, ये निकल रहा है वन प्लस नॉर्ड CE3 5G। देखिए आप लोग बिल्कुल ये न्यू सेट है और काफ़ी अच्छा इसका लुक है, आप देख सकते हैं साइड से देखिए इधर। और अभी इसका मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन भी आप लोगों को बताऊंगा। ये पीछे इसमें ट्रिपल कैमरा है, इस पर बात करेंगे, ये 50+8+2 50+8+2 है कैमरा, और इसका फ्रंट कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल है, अभी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। और ये मोबाइल हो गया, अब इस बॉक्स में फिर आते हैं तो आप देखेंगे इस बॉक्स में क्या है। ये 80 वॉट का सुपर वूक ये एडॉप्टर है इसका, काफ़ी पावरफुल एडॉप्टर है, बहुत जल्दी चार्ज करेगा इसको। उसके बाद से अगर हम देखें तो इसमें जो है ये USB-C टाइप का डेटा केबल है इसमें, ये एडॉप्टर में लगा के मोबाइल चार्ज होगा, चार्जर हो गया पूरा। और बाकी इसमें देखेंगे तो आप कुछ नहीं है, तो हो गया मतलब क्या क्या बॉक्स में था। ओके, तो अब जो है बॉक्स से थोड़ा बाहर आते हैं हम और स्पेसिफिकेशंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस है। देखिए इसमें जो है ये जो मोबाइल है इसमें वन प्लस नॉट CE3 5G, तो इसमें CE का मीनिंग होता है कोर एडिशन, ठीक है, और 3 का मीनिंग है ये थर्ड टाइप का फ़ोन है। इसमें जो है तीन तरह के फ़ोन नॉट के आते हैं, एक है वन प्लस नॉट 3, ठीक है, दूसरा है नॉट CE3 Lite, और ये जो मैं लिया हूँ वाला है वन प्लस नॉट CE3, तो ये थर्ड टाइप का है। तो CE मीन्स कोर एडिशन और 3 मीन्स ये थर्ड टाइप का फ़ोन है। ओके, अगर आप स्पेसिफिकेशंस में थोड़ा सा हम आएँ तो इसमें जो है ये तो इसका एडॉप्टर हो गया 80 वॉट का, ये सुपर वो काफ़ी पावरफुल एडॉप्टर है और ये 120 हर्ट्ज तक ऑपरेट करता है मतलब। और उसके बाद से देखा जाए तो 6.7 इंच का इसका फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है और ये USB-C टाइप का केबल है ये, और ये तो एडाप्टर तो आपको मैंने बता ही दिया, और सॉरी वो जो 120 हर्ट्ज का ऑपरेट करने का मैंने बोला था, 6.7 इंच का फ्लूइड
एमोलेड डिस्प्ले है, ये 120 हर्ट्ज तक ऑपरेट करता है, डिस्प्ले का वो एडॉप्टर का नहीं, उसके लिए सॉरी। अब देखिए इसका फ्रंट कैमरा जो है ये 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, अच्छा कैमरा है। और क्वेलकॉम जो है स्नैपड्रैगन है 782G प्रोसेसर है इसका जो है, प्लस लिक्विड कूलिंग है तो हीट वीट नहीं होगा ज़्यादा, ये मोबाइल अच्छा है। और इसमें दो तरह का है, एक है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज, और एक है 12GB रैम और 256GB स्टोरेज। तो मेरा ये 12GB रैम और 256GB स्टोरेज का है, ये LPDDR4X रैम है जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इसमें जो है एक ऑप्शन है रैम बीटा ऑप्शन करके, इट मीन्स यू कैन मैनेज मैनी एप्स एट अ सिंगल टाइम, मतलब अगर एक साथ आप कई ऐप्स चला रहे हैं तो भी ये मोबाइल जो है हैंग वगैरह नहीं होगा, इस काफ़ी स्मार्ट वर्क करेगा जिस तरह से इसको बनाया गया है। और इसमें UFS 3.1 स्टोरेज है जो काफ़ी फास्ट स्टोरेज है, चीज़ों को काफ़ी तेज़ी से स्टोर करता है। और इसमें अगर ये 3 है तो इसका मतलब इससे पहले इसके 2 सीरीज और आए होंगे इस मोबाइल के, तो उनके मुकाबले इसका बैटरी काफ़ी तगड़ा है, ये 5000 mAh का बैटरी है और 80W का चार्जर है, तो पावर चार्जिंग है और बैटरी बैकअप भी इसका तगड़ा रहेगा। और IP जो है 54 रेटिंग मिला है इसको, तो रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है। और कैमरा पर अगर हम बात करें तो इसका जो ये बैक कैमरा है ना, इसमें 3 कैमरे हैं, तो जो ऊपर का कैमरा है ये 50 MP का कैमरा है, 50+8+2, ठीक है। तो जो 50 MP का कैमरा है इसमें सोनी IMX890 का सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर जो है काफ़ी तगड़ा होता है और इससे जो है पिक्स वगैरह काफ़ी अच्छे आते हैं। और इस तरह का सेंसर जो है OnePlus 11 में भी लगा हुआ है और OnePlus 11R में भी लगा है और OnePlus Nord 3 में भी लगा है, तो काफ़ी में लगा है कि वो सेंसर काफ़ी अच्छा होता है, सोनी का तो सारा कुछ अच्छा ही होता है। और कैमरा जो है ये 50 MP का है जिसमें मेन कैमरा जो इसमें सेंसर लगा है, और उसके बाद नीचे 8MP का है और ये बाजू में 2MP का कैमरा है। तो जो 8MP का कैमरा है 8 MP का, ये है अल्ट्रा वाइड कैमरा, और जो 2MP का कैमरा लगा है ये मैक्रो कैमरा है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, तीनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। और जो ऊपर वाला है तो 50 MP का कैमरा है जिसमें सोनी IMX890 सेंसर लगा हुआ है। और इन डिस्प्ले जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह है इसका जो डिस्प्ले है उसमें, और इसमें 2 कलर था, एक ग्रे है और एक एक्वा सर्च करके है, तो मैंने ग्रे कलर लिया है, आपका जो चॉइस हो। उसके बाद से अगर देखा जाए तो इसका जो टच रिस्पांस रेट होता है, जो टच करते हैं ना हम, इसका रिस्पांस रेट होता है ये 240 हर्ट्ज का है, तो अच्छा है। और ये जो है 2160 हर्ट्ज का इसका PWM डिमिंग रेट भी है, तो भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें अगर हम बाकी और चीज़ें थोड़ा बात करें तो आप देखो ये राइट साइड में इसका जो दिखा रहा है ना यहाँ पे, ये पावर बटन है, ये राइट साइड में यहाँ पे पावर बटन है, और ये ऊपर जो है ये बाजू में ये वॉल्यूम रॉकर है, मतलब वॉल्यूम के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए, ज़्यादा कम करने के लिए। और अगर हम इसको देखिए उसके बाद से अगर ऊपर साइड में चले जाएंगे, ये आपको दिख रहा होगा, और तो ये जो है बाजू में ये सेकेंडरी माइक्रोफोन है, ओके, ये सेकेंडरी माइक्रोफोन है। और ये जो मिडिल में है ये IR ब्लास्टर इसको बोला जाता है, जो मिडिल में बना हुआ है। और उसके बाद से हम जाएं तो लेफ्ट साइड पूरा जो है एम्प्टी है, और अगर लोअर साइड में अगर हम आ जाएं, यहाँ पे अगर हम लोअर साइड में आ जाएं तो ये क्या है, ये तो सिम ट्रे है लोअर साइड में, ये जो दिख रहा है आपको ये सिम ट्रे है। और बीच में सिम ट्रे के बाद प्राइमरी माइक्रोफोन है सिम के बाजू में जो है, ये सिम के बाजू में जो छोटा सा होल दिख रहा है ना, ये प्राइमरी माइक्रोफोन का लिए है। और ये USB सी पोर्ट है, इसमें डाटा केबल यूज होगा। और ये बाजू में जो 2 लाइंस आपको दिख रही हैं ये जो है स्पीकर ग्रिल है, स्पीकर ग्रिल इसको बोलते हैं। और ये जो है ग्रे कलर का, ये ग्रे मैट फिनिश देगा आपको। और ट्रिपल कैमरा है पीछे, और 50+8+2 ये कैमरा है पीछे आपका, 50, 8 और 2 का कॉम्बिनेशन है। और फ्रंट कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल का है।
तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इसका रिस्पांस अच्छा है, और जो है ये दो मतलब तरह का है, एक है 8/128 मतलब 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, तो उसका प्राइस है 26,999, लगभग आप 27,000 मान लीजिए, 1 रुपये कम है। और एक दूसरा है, अगर आप 2,000 ही एक्स्ट्रा लगाएंगे बस केवल 28,999 मतलब मान लीजिए 29,000, तो ये जो है डबल हो जाएगा आपका, जो है 8 GB रैम जो के जगह पे आपको 12 GB रैम मिलेगा, और 128 GB स्टोरेज के जगह ये जो है 256 का स्टोरेज मिलेगा आपको, ये डबल हो जाएगा। तो 8/128, 8 GB रैम, 112 GB स्टोरेज, कितना हो रहा है 26,999, 27,000, 1 रुपये कम। और अगर 2,000 आप और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जो है 12,256, 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज, ये 28,999, लगभग 29,000, 1 रुपये कम। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा भी आपका बजट है और अगर आप ये फ़ोन ले रहे हैं तो 12,256 का ही लीजिए, 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज का। और ये इसका स्टोरेज और रैम भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, एक तरह से ये जो मोबाइल है ना, मिनी लैपटॉप मान लो आप, काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन है इसमें, आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। और बाकी आप अगर गेम वगैरह खेलते हैं चाहे बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा करते हैं तो भी ये उसके लिए अच्छा रहेगा। और नॉर्ड का जो है, तीन तरह का मोबाइल है आप जो लेते हो, एक है OnePlus Nord 3, एक है OnePlus Nord CE 3 Lite, और ये है OnePlus Nord CE 3 5G, ये जो मैं लिया हूँ। तो बाकी आपका चॉइस है आप क्या लेते हैं, और सारी चीज़ें मैंने आपको लगभग बता ही दिया है, सब अच्छा ही है। बाकी आपका जैसा रिस्पांस रहेगा अपना दिमाग आप यूज करिएगा, और मेरे हिसाब से मीडियम बजट में अच्छा फ़ोन है और आप ले सकते हैं। इसको मैं ऑन करके भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, करूँगा। तो देखिए मैंने ऑन किया है इसको जस्ट अभी, अभी ऑन होगा ही, इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह सेटअप करना पड़ेगा इसमें सारा चीज़, तो आप देख लीजिए। मैं सोचा थोड़ा बहुत से लोगों को मतलब जानना रहता है सब चीज़, तो मैंने सोचा बता दिया जाए, बाकी आप लोगों को जब अच्छा लगे अपने दिमाग से काम करिए। ये ओपन हो रहा है, ओपन हो जाएगा ये, और फिर बाद में बात करते हैं। तो देखिए जब ये ओपन होगा, फर्स्ट टाइम आप मोबाइल लेंगे तो ऐसे लिख के आएगा, हेलो लिख के आ रहा है ये, और आगे सेटअप वगैरह इसका करना पड़ेगा। और मेरे को आइडिया है इस फ़ोन का, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अच्छा फ़ोन है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।